मुश्किल है घड़ी, मगर ये वक्त भी गुजर जाएगा। इत्मीनान रखना, एक नया सवेरा चलकर खुद आएगा। कभी भूलना मत, हम उस देश के वासी हैं जिसने हारना तो कभी सीखा ही नहीं है। जिस माटी ने जन्मा, उस माटी का जयकारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा। बातें तो कई हैं, पर कुछ हम बतला देते हैं। कैसे लड़ना है इस कोरोना काल से, हम तुम्हें समझा देते हैं। सबसे पहले प्राणायाम, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ानी है, एक यही रास्ता है बचने का। ये बात तुम सबको समझानी है, फिर पाचन हो या त्वचा रोग, सबको दूर भगाएंगे हम। सूर्य नमस्कार की 12 विधियों से सर्वाइकल और स्लिप डिस्क को ठीक कर जाएंगे हम। समय ही कुछ ऐसा है, कोई शारीरिक तो कोई मानसिक व्याधि से घिरा है, कोई जूझ रहा है जीवन से तो कोई जी कर भी अधमरा है। हमें इन सबको हराना है, एक नया सूर्य उदय अपने जीवन में लाना है। फिर वो तनाव हो या रक्त संचार, हमें हर तरह से खुद को सशक्त बनाना है। कभी दरिया तो कभी आसमां देख रहे हैं, बंद दुनिया में हम जिंदगी के कुछ निशान देख रहे हैं। ये एतवार है कि हमेशा नहीं होगा, पर अब हम जिंदगियों को महंगी और दौलत को सस्ती देख रहे हैं। हर काम से पहले और बाद में हाथ धोना अब एक जिम्मेदारी है, मानो एक परंपरा से निभानी है। अब इस तरह ही हमें खुद से खुद की सुरक्षा करके दिखानी है। मुश्किल घड़ी है दोस्तों, मगर हमें हंस कर बितानी है। जिंदा रहने के लिए फासला जरूरी है। महफिलों में तो बहुत रह चुके, पर अब घर पे रहना जरूरी है। मौत का खेल शुरू है कोरोना का, अब हमारा बचना जरूरी है। हाथ मिलाना नहीं है, अब वापस संस्कारों में आना वही है। मास्क तो हर वक्त जरूरी है, अब इसके बिना तो समाज की कल्पना ही अधूरी है। अब छोटे बड़े का भेद भुलाकर एक दूसरे की मदद करना भी जरूरी है। कि वक्त ही ऐसा है कि एक दूसरे के लिए खड़ना भी जरूरी है। पग पग पे मुश्किलें हैं, पर लड़ना भी जरूरी है। इस वक्त को हराने में सरकारी मुलाजमों का ही नहीं, बल्कि हम सबका एक साथ होना भी जरूरी है। सरकार के साथ चलना भी जरूरी है, फिर चाहे वो आरोग्य सेतु हो या आयुष संजीवनी। हर प्रावधान से जुड़ना भी जरूरी है, हर प्रयास को सफल करना भी जरूरी है। हाँ, मानती हूँ घर में रहना सुरक्षा है हमारी, पर देश की उन्नति भी जिम्मेदारी है हमारी। घर में रहकर ही अब काम हमें करना है, देश के आर्थिक विकास हेतु हर संभव प्रयास हमें करना है। हाँ, मंदिर भी बंद है और मस्जिद भी, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे खुदा, हमारे रब हमसे नाराज हैं। जरा एक बार हॉस्पिटल और चौराहे पर जाकर देखना, एक रूप में डॉक्टर तो दूसरे रूप में पुलिस बनकर खड़े हैं। एक महान व्यक्ति ने कहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तो। संघर्ष का मैदान छोड़ कर ना भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीतेंगे हम, लड़ेंगे हम, इस कोरोना को जड़ से खत्म करेंगे हम। जिस माटी ने जन्मा, उस माटी का जयकारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हिंदोस्तान हमारा।